हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय हम आगे की तार सप्तक में देख सकते हैं। इन्होंने अध्ययन के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता लेखन का कार्य भी किया और इन्होंने अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष झेलना पड़ा था। इस संघर्षशीलता के कारण उन्होंने जीवन को नए तरीके से देखने वे लगे। एक जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उन्होंने दिया है। उनकी भाषा उत्कृष्ट है और भावों के अनुरूप वे शब्दों को गढ़ते हैं। इसका परिष्कार करके वे भाषा को प्रयोग में लाते हैं और वे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में। साथ ही साथ वे अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग वे करते हैं। तो हमें कविता पढ़नी है सहर्ष स्वीकार है, जो कि उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। तो यहाँ पे जो बात उन्होंने कही है कि हमारी ज़िंदगी में शुरुआत से लेके अंत तक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, फिर उन्हें हमारी ज़िंदगी से वे चले जाते हैं। तो पर उनकी यादें जो होती हैं वो हमारे साथ रहती हैं और उन यादों के साथ उनके जो अच्छे गुण होते हैं वो हमारे अंदर बस जाते हैं। तो शायद उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा था जो कि जिसके साथ वे जो उनकी ज़िंदगी में था पर अब नहीं है, और पर उनकी यादें, उनके जो अच्छे प्रभाव हैं वे कवि की ज़िंदगी में अभी भी हैं। वे अभी भी उन सब प्रभावों से घिरे हुए हैं। इसी की बात उन्होंने यहाँ की है। वे कहते हैं ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात वे कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ है वो सब उन्हें प्यारा है, क्योंकि ये सब क्या था, ये सब उसे भी प्यारा था जो व्यक्ति उनके ज़िंदगी में पहले था अब नहीं है। गब्रिल गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। यहाँ वो कहते हैं कि उनकी गरीबी, जो कि उन्होंने कहा है कि गर्बीली गरीबी, अर्थात जिन पर उन्हें गर्व है, स्वाभिमान है, वैसी गरीबी, ये गंभीर अनुभव, जो अनुभव वे गंभीर हैं, और वैभव वे क्या है, विचारों का वैभव है, धन या संपत्ति का वैभव नहीं बल्कि विचारों का वैभव जो है, और उनके भीतर की जो दृढ़ता है, ये सब क्या है, अभिनव है और सब मौलिक है, नया है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अर्थात वे कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी कुछ जागृत है, जो भी कुछ जीवित है, जो भी बना हुआ है, वे सब, जो भी संवेदनाएं हैं, वे सब क्या हैं, वे उस व्यक्ति उनके ही बदौलत हैं। इसीलिए वे सभी क्या हैं, नए हैं और मौलिक हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा एक पानी का स्रोत है जिसके पानी को वो क्या करते हैं, बार बार निकाल देते हैं, पर फिर भी वो क्या होता है, वो फिर से उनके हृदय में भर आता है। और ना जाने उनके साथ ऐसा क्या रिश्ता है जो हमेशा वे चाहते हैं कि ये बाहर निकल जाए पर वे फिर से भर जाते हैं। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिल में कोई झरना है जो कि मीठे पानी का स्रोत है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारी ही खिलता वह चेहरा है। वह कहते हैं कि भीतर वह है, वह यादें हैं, और ऊपर तुम हो। किस प्रकार, जिस प्रकार चांद अंधेरी रात में अपनी चांदी बिखेरता है और उजाला फैलाता है, उस तरह से तुम भी क्या करती हो, मुझ पर अपना खिलखिलाता हुआ चेहरा, खिलखिलाते हुए चेहरे से रोशनी फैलाती हो और मुझे उजाला देती हो। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में, नहालूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब
सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, पर वे इन उस व्यक्ति की यादों से इतने घिरे हुए हैं, इतना उनमें आश्रित हो गए हैं कि वे चाहते हैं कि वे उनसे दूर हो जाए और वे एक तरह से वे स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हमेशा वे इन यादों में ही बस आश्रित रह जाए, बल्कि वे उन्हें डर है कि जब ये यादें नहीं रहेंगी तो वे कैसे जीवन बिताएंगे, तो वे चाहते हैं कि इन यादों को से वे दूर हो जाए। और ये दंड भी कौन दे, वही दे जिसकी ये यादें हैं। तो वो कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, वे उनसे कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और मैं दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के समान अंधकार में खो जाऊं। वे दक्षिण ध्रुव की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ जो अंधकार है वो सबसे गहरा होता है और वे उस अंधकार में खोना चाहते हैं, और क्योंकि उन्हें यह जो अब जो यादें हैं, याद उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अंदर से वे सह नहीं पा रहे हैं उन यादों को। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। और वे कहते हैं कि वे उन्हें ऐसा दंड दे कि वे पाताली अंधेरी एक गुफाओं में वे खो जाएं, और या फिर वे बादलों धुएं के बादल के समान वे लापता हो जाएं। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल वे लापता हो जाते हैं, पर वे वहाँ भी क्या होते हैं, उसे संभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो उन्हीं की यादें हैं, उन्हीं की कार्यों का घेरा है, जो कि उन्हें उन यादों को भी भूलने नहीं दे रहा है। कार्यों का वैभव है, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और इस अंत में वे फिर कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा था, इसीलिए वे सभी को सहर्ष खुशी के साथ स्वीकारते हैं। एक होता है स्वीकारना और एक होता है खुशी के साथ स्वीकारना। तो यहाँ पे कवि अपने जीवन में जो भी कुछ आ रही है, घटनाएं घट रही है, जो भी कुछ आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, उन्हें वह सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति अभी उनके ज़िंदगी में नहीं है, उन्हें वह प्यारा था, इसीलिए वे सभी चीज़ों को प्यार के साथ स्वीकारते हैं। तो इस तरह से एक किसी की याद में कविता लिखी गई है, कवि ने यह कविता लिखी है, और उन यादों के सहारे वह जीवित है, पर उन यादों से वह दूर भी जाना चाहते हैं, पर वह दूर जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी मतलब वे इस तरह से बंध गए हैं उन यादों में कि वे उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कविता हमें जीवन में सहजता से, चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें सहज रूप से उसे अपनाना चाहिए, ये भी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है तो हम दुख दुख से दूर भागेंगे, और सुख आएगा तो हम उसको भोग करेंगे उसका, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सुख दुख हानि लाभ सब में हमें एक समान बने रहना चाहिए, सहर्ष के साथ हमें उसे स्वीकारना चाहिए, ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। तो जैसे बाकी कविताएं भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है भावार्थ उसका, तो इस कविता का भावार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।